बारिश का मौसम है, रांची के कई इलाकों में नालियां जाम है, कई जगहों पर कूड़े का अंबार लगा रहता है। नतीजा ये होता है कि थोड़ी देर भी बारिश हो जाए तो पानी गलियों मोहल्लों से होता हुआ घरों तक पहुंच जाता है, सड़कों पर जाम की स्थिति हो जाती है। लोग परेशान हैं, लेकिन राजनीति मुस्कुरा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों ये नजारा आम है। थोड़ी देर बारिश हुई नहीं कि शहर पानी पानी हो जाता है, ट्रैफिक ऐसे ही रिंगती रहती है, सड़कों पर ऐसे ही जाम लग जाता है। आलम यह है कि कई बार तो लोग बारिश के बाद जाम के डर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकलने से भी डरते हैं। या हालात और ये तस्वीरें अमूमन रांची के हर इलाकों से आपको नजर आ जाएगी, जब थोड़ी सी बारिश के बाद इसी तरह जाम जैसे हालात हो जाते हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये पानी अब लोगों के घरों तक पहुंचने लगता है, जिससे काफ़ी परेशानी लोगों को होती है और लोग घरों से निकलने में अब डरने लगे हैं कि बारिश के वक्त वो घर से निकले तो पता नहीं वापस घर लौटने में उन्हें कितनी फजीहत झेलनी पड़ेगी। इसी तरह जाम के हालात हर चौक चौराहों में नजर आते हैं। जब बारिश रुकती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और ऐसे में हादसों का भी डर रहता है और लगातार बारिश से जाम की स्थिति भी भयावह हो जाती है। पिछले दिनों ही एक बुजुर्ग पानी में बह गए थे नाले में, पंडरा के पंचील नगर के नाले में वो बह गए थे और बाद में कांके डैम के बाहरी हिस्से में उनका दो तीन दिन के बाद उनका शव बरामद हुआ है। इससे पहले भी एक मासूम बच्ची बही थी फलक, जिसका शव स्वर्णरेखा नदी में बरामद किया गया था। तो ऐसी स्थिति राजधानी की है, जैसे स्मार्ट बनाने के दावे राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अपनी रोटी सेकने के अलावे उन्हें ज़रा भी फिक्र नहीं कि आम जनता किस हाल में है और किस स्थिति में रहने को मजबूर है। राजधानी कहा जाता है जो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ की तस्वीरें देखिए आप कि ऐसी तस्वीरें अगर राजधानी की हैं तो बाकी जिलों की तस्वीरें क्या होंगी। इधर मेयर आशा लकड़ा कह रही हैं कि जिस कंपनी को साफ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हाथ की सफाई कर भाग गए। बार बार बुलाने पर भी अधिकारी बैठक में नहीं आते, इसलिए नगर निगम का काम ठप पड़ा है। मेयर का कहना है कि वो बीजेपी की है इसलिए अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे। उधर सत्ताधारी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस सारा ठिकड़ा बीजेपी पर फोड़ रही है। मैंने समीक्षा बैठक बुलाया है, लगातार गर्मी से लेकर के आज तक मैंने बैठक बुलाया और अधिकारी बैठक में नहीं सुंदर बनाए, स्वच्छ और सुंदर बनाए, और इसके लिए हम लोगों ने कई बार जो सफाई अभियान चला या सफाई का सर्वेक्षण चला उसमें कई अवार्ड भी लेकर के आए, लेकिन विडम्बना इसी ये हमारे आयुक्त हैं तब से जमीन की सरकार कांग्रेस की सरकार कोई अधिकार नहीं। मैं आपको बता दूँ कि इस समय रांची नगर निगम में दो कंपनी काम कर रही है, जनता और सीडीसी। जनता का काम है रोड टू रोड डस्टबिन लेना और उन्हीं अंडरग्राउंड डस्टबिन को लगाना। दूसरा जो सीडीसी है उनका काम है डोर टू डोर कलेक्शन करना। अब इतनी बड़ी कंपनी को काम दिया गया है तो पूरे रांची शहर का स्थिति परिस्थिति ठीक होता। मैं चाहती हूँ कि रांची और जो भी कामियाँ हैं उसको पूरा काम हो तो सब कुछ अच्छा होता। पूर्व से ये आभास था कि दिसंबर में जो कंपनी दो बार एक्सटेंड होने के बाद
पूरी शक्ति दिसंबर में लगा करके शहर के स्वीपिंग नहीं कर पाई, नालियों की सफाई नहीं कर पाई, जो पूरा काम थे उसे उठाकर गंतव्य तक लेना था वो नहीं कर पाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें फाइनेंशियल करप्शन का मामला सामने आता है। करोड़ों रुपया की अग्रिम भुगतान इस कंपनी को दे दिया गया और आज पूरा शहर फूलों का अंबार लगा हुआ है। और हर जगह किसी मोहल्ला में जाएंगे 10 मिनट के बारिश में दुर्गंध से भर जाती है पूरा शहर, पानी का जमाव हो जाता है, नालियां ऊपर बहने लगती है, फिर भी यहाँ के मेयर और डिप्टी मेयर और जो अधिकारी है जरा भी शुद्ध नहीं लेते हैं, सिर्फ कमीशन का खेल बोला जाए तो कमीशन के कारण इस शहर और इस शहर की ये तो गंभीर विषय है और वित्तीय गबन का मामला बनता है। अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि जिनको जवाबदेही दी गई शहर की सफाई की, अगर वो हाथ की सफाई कर रहे हैं तो अधिकारियों को सोचना कभी सर। और जहाँ तक प्रश्न है कि सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें विफल रही है, सरकार के लिए नया विषय तो है नहीं। सरकार बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर जिस तरह से या तो सामने आती है तो बहुत उम्मीद नहीं है सरकार से, लेकिन नगर निगम लोग जो बैठे हैं खासकर जनप्रतिनिधियों के साथ जो अभी टकराव चल रहा है कहीं ना कहीं इसका अंग्रेजा भाषी वासियों को प्रॉब्लम होता है। और सफाई व्यवस्था की जो आपने आरोप करेंगे शहर में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, जोड़ा चौक की स्थिति देखिए, जल जमाव से लोग बेतरह परेशान हैं, उसके अलावे गंदगी पसरा हुआ है। बार बार मेयर के बुलाने के बावजूद अधिकारी उनकी बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि सारी चीजों को सरकार किस तरह से, तो बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन सरकार से कोई उम्मीद नहीं, सरकार के इशारे पर ही अधिकारी या सहयोग पर उतर आए। इधर सत्ता पक्ष कह रहा है कि कमीशन के चक्कर में मेयर और उप मेयर ने बेड़ा गर्क किया है। कुल मिलाकर राजनीति अपनी सहज रफ्तार से चल रही, लेकिन इन दो पार्टों के बीच जनता बुरी तरह से पिस रही है। समस्या से निजात दिलाने के लिए ना तो जमीन पर काम होता दिख रहा है और ना ही वैसी मंशा दिख रही है।